वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स ये टॉपिक का सेवंथ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने है देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में लिखा है एस्टिमेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर लीनियरली डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिट्वीन दम देखो यहां पर थ्री वेक्टर्स दिए हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जिनमें फोर फोर कोऑर्डिनेट्स है

फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके उसको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे देखो यहां पे समझ लो देखो सबसे पहले जो है यहां पे हम एक इक्वेशन यहां पे कंसिडर कर लेंगे कंसिडर द इक्वेशन कंसिडर द इक्वेशन देखो इक्वेशन क्या लेना है तो हम यहां पे ऐसा लेंगे देखो लैमडा वन इंटू लैमडा वन इंटू एक्स वन प्लस लैमडा टू इंटू एक्स टू प्लस लैमडा थ्री इन टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो पे जो लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री है दे आर द स्केलर कॉन्स्टेंट अब ये लैमडा के फॉर्म में ही लेना चाहिए ये जरूरी नहीं है आप चाहे तो कोई और यहां पे वेरिएबल कोई और यहाँ पे अल्फाबेट लो जैसे आपने यहां पे अगर के लिए या कोई क्यू लिए कोई भी आ, एक अल्फाबेट लिए तो भी चलता है जो कि एक स्केलर कांस्टेंट uh, रहेगा ठीक है तो फिलहाल हमने इसके पहले भी जो uh, वीडियोस बनाए थे उसमें लैमडा का यूज किया है इसलिए यहां भी, भी हमने लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री ऐसे तीन स्केलर यहां पे कांस्टेंट्स लिए पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है तो ये जो थ्री वैक्टर्स है वो हमें वहां पर पुट करना है तो चलो हम ये पुट कर लेंगे सो लैमडा वन इन टू एक्स वन यानी ये या देखो क्या है वेक्टर वन वन माइनस वन वन ये उसके कॉर्डिनेट है ठीक है देन आफ्टर प्लस लैमडा टू इन टू एक्स टू एक्स टू के से 1, 1, 2, 1, है Then, है यूज करके हमें यहां से कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करना है वैसे इसके पहले ये जो इक्वेशन थी ना ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर वन देंगे क्योंकि इसका आगे हमें यूज रहेगा क्योंकि देखो हमें तो यहां पे चेक करना है कि गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर एट द लास्ट उनके बीच में रिलेशन जो फाइंड आउट करना है ना वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन का यूज रहेगा इसलिए हमने इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर वन कहा चलो अब यहां पे हमने एक्स वन एक्स जो वेक्टर्स है वो हमने यहां पुट किए हैं अब इनके थ्रू इक्वेशन अगर आपको तैयार करना है तो किस तरह से तैयार करेंगे दे, देखो समझ लो काफी सिंपल है लैमडा वन से यहां पे वन को मल्टीप्लाई करो लैमडा टू से वन को मल्टीप्लाई करो लैमडा थ्री से यहां पे थ्री को मल्टीप्लाई करो इसके थ्रू आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा ठीक है उसके बाद लैमड़ा वन से ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो यहाँ लैमड़ा टू से, से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो फिर लैमड़ा थ्री से सेकंड से टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो उससे आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा इसी तरह से आपको चारों कोऑर्डिनेट्स को वन बाय वन आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन तैयार करना है तो चलो यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर लेंगे देखो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लैमड़ा वन से तो ये होगा लैमड़ा वन इंटू वन यानी लैमड़ा वन लैमड़ा टू इंटू वन तो ये हो गया प्लस ऑफ लैमड़ा टू 3 3, तो ये हो गया प्लस ऑफ लैमडा थ्री इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई करो लैमडा लैमड़ा वन देन लैमड़ा टू इंटू माइनस वन तो ये माइनस ऑफ लैमडा टू गया प्लस ऑफ लैमडा थ्री इक्वल टू जीरो उसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन तो थर्ड तो इक्वेशन तो, के लिए लैमडा वन लैमडा टू लैमड़ा थ्री से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया माइनस ऑफ लैमडा वन देन ये हो गया प्लस ऑफ टू लैमडा टू और फिर वो हो गया प्लस तो जीरो लैमडा थ्री ठीक है इक्वल टू जीरो थर्ड इक्वेशन उसी तरह से फोर्थ इक्वेशन उसके लिए फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई uh, कर लेंगे सो लैमडा वन और माइनस ऑफ लैमडा टू देन उधर हो जाएगा प्लस ऑफ लैमडा थ्री इक्वल टू जीरो तो ये देखिए गिवन थ्री वेक्टर्स का यूज किए और ये इक्वेशन का यूज किए उसका यूज करके हमने यहां पे ये थ्री यह, यहां पे हमने ये फोर इक्वेशंस तैयार कर लिए हैं अब आपको क्या करना है अब हमने जैसा कहा था ये गिवन इक्वेशंस को अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है तो चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके फिर उसको हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको पुट करना है तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे नौ इक्वेश्स

अननोन मैट्रिक्स जिसमें लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री रहेगा और राइट right साइड में रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसके देखो तीनों ये जो चारों इक्वेशन है इक्वेशन के राइट right साइड में क्या है जीरो 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 सभी के राइट right साइड में जीरो है तो चार बार जीरो यहां पे यहां पे लिख लिए अब चलो कोईफेशन मैट्रिक्स तैयार करते हैं तो पहले इक्वेशन में लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री के कोईफेशन क्या है लैमडा वन का कोई फेशन वन लैमडा टू का वन एंड लैमडा थ्री का थ्री तो ये हो गया वन वन थ्री सेकंड इक्वेशन में क्या है वन माइनस वन वन तो हम यहां लिख लेंगे वन माइनस वन वन थर्ड इक्वेशन में क्या है माइनस वन टू जीरो लिख लेंगे माइनस वन टू जीरो क्या है वन माइनस वन वन तो हम यहां लिख लेंगे वन माइनस वन वन इस तरह से ये हमने ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए यहां तक समझ में आया अब इसके बाद क्या करना है देखो ये गिवन वेक्टर्स को अब आपको अगर डिपेंडेंट uh, है कि नहीं लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं वो अगर चेक करना है तो अब आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो हाँ, आपने जो पुट किए हैं इसमें सभी मैट्रिक्स को नाम दे दो देखो नाम अगर हम दे दें तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे ए मैट्रिक्स लास्ट मैट्रिक्स को कहेंगे एक्स मैट्रिक्स और बीच वाले सॉरी जो लास्ट मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे बी मैट्रिक्स और बीच वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे एक्स मैट्रिक्स अब आपको क्या करना है यहां पे ये देखो ये ए मैट्रिक्स ये एक्स मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स इसका मतलब ये है देखो इसका मतलब ये है कि ए इंटू एक्स इज इकल टू बी इसका मतलब यह होता है. है होता है सही है ए इंटू एक्स इजल टू बी देखो ना ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इजिकल टू बी मैट्रिक्स ए एक्स इजिकल टू बी तो यहां पे अब इतना होने के बाद ए और बी को कंबाइन करो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाओ उसको कहते हैं ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाओ फिर वो सी मैट्रिक्स को अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो कन्वर्ट होने के बाद उसके थ्रू फिर हमें पता चलेगा कि ये गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं कैसे देखते जाओ आगे किस तरह से ये सॉल्व होता है सबसे पहले क्या करना है ए और बी को कंबाइन करना है और सी मैट्रिक्स तैयार करना है चलो हम इधर ही लिखते हैं यहां पे जगह है तो हम यहां लिख लेंगे यहां पे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स का नाम रहेगा मैट्रिक्स सी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स टी तो सी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और वो ए और बी को कंबाइन करके तैयार किया जाता है तो देखो सी इज इक्वल टू ऐसा तैयार करना देखो ए कोलन बी यानी ए और बी को हम इंडायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स ये है बी मैट्रिक्स ये है इसको कंबाइन करो तो देखो कंबाइन करने के बाद यहां पे क्या आएगा तो वो मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स लिखो वन वन थ्री तो हम यहाँ लिख लेंगे वन वन थ्री देन है माइनस वन टू जीरो और लास्ट में वन माइनस वन वन और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो 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 तो ये देखिए हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन कर लिए और कंबाइन करके ये हमने सी मैट्रिक्स तैयार कर लिए यहां आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे पार्टीशन किया है इसके इधर वाला ए मैट्रिक्स है इसके इधर वाला बी मैट्रिक्स है और ये पूरा हो गया सी मैट्रिक्स अब क्या करना है अब अब जैसा हमने कहा था अब ये सी मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है पहले चेक कर लो कि क्या ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है अगर है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर इसको कन्वर्ट करो तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं ना उसी को अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं चेक करो क्या ये मैट्रिक्स के लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट जीरो है नहीं है नहीं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये पूरे ये पूरे के मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है बाय क्योंकि इसमें एंड कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर हो गया फोर बाय फोर तो इसको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट जीरो नहीं है कौन से कौन से है लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट चलो बता देते हैं लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स यहां पे ये देखो ये है लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स इतने ठीक है ना यहां के तीन यहां के दो और यहां का एक ये देखो ये है लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स इतने इतने प्लेस पे हमें जीरो ले आना है अगर इतने प्लेस पे जीरो आ गया तब जाके हम कहेंगे कि सी मैट्रिक्स इज अ अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और एक बार अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन गया तभी हम आगे ये तीनों वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं वो पता कर सकते हैं तो चलो यहां पे ये इतने प्लेस पे जीरो लेके आओ पहले तो इतने प्लेस पे जीरो ले आने के लिए आपको अब क्या करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे और इतने प्लेस पे जीरो ले आएंगे इसको ऊपर उठा लेते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि ये इतना बोर्ड फिलअप हो गया इसको ऊपर उठाते हैं हम इधर सॉल्व करेंगे अब ठीक है तो चलो हम इधर सॉल्व करेंगे तो यहां पे अब क्या करना है देखो इक्वेशन हम यहां पे क्या लिखेंगे सबसे पहले देखो, ये ये देखो रो थर्ड रो और फोर्थ रो में ये फर्स्ट प्लेस पे जीरो लेके आओ तो क्या करो सेकंड रो के लिए इक्वेशन लिख लो सेकंड रो के लिए इक्वेशन ऐसी रहेंगी आर टू माइनस आर वन देखो आपको क्या करना है सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करना है फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है वन आपको क्या करना है सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट में जीरो चाहिए अगर आपको ये फर्स्ट एलिमेंट जो है अगर वहां पे जीरो चाहिए तो उनका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो तो आर टू माइनस आर वन उससे आपको यहां पे जीरो मिल जाएगा उसके बाद आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस आर वन और लास्ट में आर फोर इज इक्वल टू आर फोर माइनस आर वन देखो ऐसे हमने तीन इक्वेशंस यहां लिख लिए इससे क्या होगा इससे इससे कहा, कहा पे जीरो आएगा इससे जो है, देखो, पे पे जीरो यहाँ पे जीरो आएगा, आएगा, और यहां भी जीरो आएगा इतने तीन प्लेस पे एक साथ जीरो आ जाएगा अगर आप ये तीन इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो ठीक है ठीक है तो ये ये है फर्स्ट रो आर वन ये है सेकेंड रो आर टू यह है थर्ड रो आर थ्री और यह है लास्ट की फोर्थ रो आर फोर ठीक है ना आपको फर्स्ट रो के साथ कुछ नहीं करना है जो भी करना है सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो के साथ करना है क्योंकि यहां पे उसी की इक्वेशन आपने लिखे है तो चलो अब हम यहां पे न्यू मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स बनाते हैं तो फर्स्ट रो एज इट इज रखो वन वन थ्री जीरो फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स जो है वो आपको सेकंड रो के एलिमेंट्स आपको ये इक्वेशन से निकालने हैं ठीक है थेके? तो उसके लिए R2 टू माइनस आर करना है तो R2 के एलिमेंट्स यहां पे R2 के जो एलिमेंट्स है वो यहां रखो और जो uh, R1 के एलिमेंट्स है वो यहां रखो ठीक है तो चलो देखते हैं ये क्या होगा मतलब देखो R2 के एलिमेंट्स माइनस आर के एलिमेंट्स 1 माइनस वन तो ये जीरो माइनस 1 माइनस वन तो ये माइनस टू वन माइनस तो माइनस टू जीरो तो ये जीरो हो गया आर टू अब इसके बाद R3 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है तो R3 के एलिमेंट्स के लिए आप ये इक्वेशन का यूज करो आर थ्री प्लस आर वन ऐसा करो आपको क्या करना है थर्ड रो के एलिमेंट्स यहां रखना है आर वन के जगह तो माइनस वन प्लस वन ठीक है ना थर्ड रो के एलिमेंट्स प्लस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो माइनस वन प्लस वन जीरो टू प्लस वन तो ये हो गया थ्री उसके बाद जीरो प्लस थ्री तो ये हो गया थ्री फिर जीरो प्लस जीरो तो लास्ट में जीरो इस तरह से और अब फोर्थ रो के एलिमेंट्स निकालो फोर्थ रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए ये इक्वेशन का यूज यूज करो देखो इक्वेशन आपके सामने है ये इक्वेशन आर फोर माइनस आर वन ऐसा करना है ठीक है ना तो चलो हम करेंगे तो आर फोर माइनस आर वन तो वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस टू वन माइनस थ्री माइनस टू जीरो माइनस जीरो जीरो तो ये देखिए सी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने निकाल लिए और हमने जैसा कहा था कि ये तीन का अगर आपने यूज किए तो ये तीन प्लेस पे जीरो आना तय है तो ये देखो तीन प्लेस पे जीरो आ चुका है लेकिन ये अभी भी ये अभी भी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से जीरो नहीं हुए हैं तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जो है हम लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स को जीरो करने का प्रयास करेंगे तो तो अब हमें कहा कहा जीरो करना है अब हमें यहां पे और यहां पे जीरो करना है चलो देखते हैं यहां और यहां कैसे जीरो होंगे एक बार यहां पे जीरो हो गया तो फिर एक और प्लेस रहेंगी ये वाली फिर देखते हैं कि इसके लिए भी हमें जीरो करने के लिए कुछ स्टेप्स यहां पे लिख लेना पड़ेगा तो चलो सबसे पहले अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड रो के साथ कुछ नहीं करना है जो भी करना है थर्ड रो और फोर्थ रो के साथ करना है तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिख लो थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिखो और फोर्थ रो के लिए इक्वेशन लिखो और थर्ड रो और फोर्थ रो का जो कैलकुलेशन है वो सेकंड रो के साथ करना फर्स्ट रो के साथ गलती से कैलकुलेशन नहीं करना अगर आपने कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ किए तो इधर जो जीरो आया था ना पहले वाला वो हट जाएगा तो देखो यहां पे जीरो चाहिए तो अगर आपको जीरो चाहिए इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करना है तो क्या करो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो हम यहां लिख लेंगे टू इन टू आर थ्री प्लस प्लस थ्री इंटू आर टू ऐसा कर लो प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है ना यहां पर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स हो जाएगा और यहां पर थ्री से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करो तो ये माइनस की वजह से वहाँ जीरो आ जाएगा मतलब सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा ऐसा है उसके बाद चलो आर फोर के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो आर फोर के लिए इक्वेशन लिखना है तो यहाँ माइनस टू है यहाँ भी माइनस टू है तो क्या करो सीधा सीधा आर फोर माइनस आर टू कर लो आर फोर माइनस आर टू कर लो तो ज़ीरो हो जाएगा तो चलो अब यहाँ पे इसको और ऊपर उठा लेते हैं ठीक है थीके? तो अब हम यहाँ पे सी मैट्रिक्स बनाते हैं नया वाला तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स वन वन थ्री जीरो सेकंड रो के एलिमेंट्स जीरो माइनस टू माइनस टू जीरो ठीक है चलो अब पहले फोर्थ रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं बाद में थर्ड रो के एलिमेंट्स लिखते हैं फोर्थ रो के एलिमेंट्स अगर आपको लिखना है तो आपको क्या करना है आर फोर माइनस आर टू करना है मतलब फोर्थ रो माइनस सेकंड रो करना है तो जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू यानी माइनस टू प्लस टू जीरो टू माइनस ऑफ माइनस टू अगेन ये जीरो और ये भी जीरो हो गए चलो थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं और अब आपको क्या करना है थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन का यूज करना है ये इक्वेशन का यूज करके थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालो तो इसके लिए क्या करना है थर्ड रो के एलिमेंट्स यहां पुट करो आर थ्री के प्लेस पे यहां पे आर थ्री के प्लेस पे और इसके रिस्पेक्ट सेकंड रो के एलिमेंट्स यहां पुट करो आर टू के प्लेस पे ठीक है चलो रफ वर्क जो है बता देते हैं आपको कि रफली ये क्या हो सकता है तो सबसे पहले जीरो देखो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो यहां रखो और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो रखो तो जीरो प्लस जीरो तो ये जीरो हो जाएगा उसके बाद ये थ्री यहां रखो आर थ्री की जगह और माइनस टू यहां रखो आर टू के जगह तो ये ऐसा होगा टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस टू मतलब ये सिक्स माइनस सिक्स तो ये जीरो ठीक है उसके बाद ये थ्री यहां रखो ठीक है और इसका रिस्पेक्टिव माइनस टू यहां रखो तो ये फिर से थ्री तो ये फिर से इक्वेशन सेम रहेगा क्योंकि एलिमेंट सेम है तो इक्वेशन सेम रहेगा मतलब ये भी जीरो और इधर भी जीरो आएगा तो ये देखिए इस तरह से ये हमने सी मैट्रिक्स को हमने यहां तक सॉल्व किया है चेक करो क्या ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है यस इट इज एन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट्स जीरो है देखो चेक कर लेते हैं बिल्कुल ये देखिए लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट जीरो है और भी नंबर ऑफ जीरो आ गए आने दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन लोअर ट्रेंगुलर एलिमेंट जीरो चाहिए थे जीरो मिल गए इसका मतलब इट इज एन अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अब इसके बाद क्या करो ये जो सी मैट्रिक्स है जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन है इसमें से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बाहर ले लो ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है इन दोनों को सेपरेट करो तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वन वन थ्री देन जीरो माइनस टू माइनस टू देन ज़ीरो 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 और भी है ज़ीरो 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 ठीक है ना आ, तो ये एक मिनट तो ये इसको हटा देते हैं और इसको प्रॉपरली लिखते हैं ठीक है ठीके? तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने ए मैट्रिक्स लिखे हैं और अब बी मैट्रिक्स हम लिख लेंगे बी मैट्रिक्स क्या है ज़ीरो 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 ये है बी मैट्रिक्स ठीक है तो अब आपको क्या करना है देखो हमने आपको बहुत पहले से कहा है कि अब सी मैट्रिक्स तैयार करो उसको अपर ट्रेंगुलर में कन्वर्ट करो तब जाके हमें पता चलेगा कि गिवन जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं तो अब वो बात आ, अब अब वो घड़ी आ गई है जहां पे हम चेक कर पाएंगे कि वो डिपेंडेंट है कि नहीं उसके लिए क्या करना तो ये जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है ये ए और बी मैट्रिक्स उठा के ये इक्वेशन में पुट करो देखो ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स इजिकल टू बी वाली इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो इक्वेशन नंबर वन ऑलरेडी है इसके पहले देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं देखो ये ऐसा ये देखो ये हमने प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट किए थे ठीक है तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ये गिवन थ्री वेक्टर्स थे ठीक है ना उसके थ्रू हमने इक्वेशन बना के मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए और ये इक्वेशन हमने बनाया है ए एक्स इज इक्वल टू बी इसको इक्वेशन नंबर टू दिए थे ये इक्वेशन नंबर वन था आपको क्या करना है जो अभी अभी जो नया आपको ए और बी मैट्रिक्स मिला है उसको उठा के ये इक्वेशन नंबर टू में पुट करो यहाँ ए पुट करो यहाँ बी पुट करो और फिर वहां से हमें लैमडा वन लैमड़ा टू लैमडा थ्री मिल जाएगा अगर लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री अगर जीरो हो गया तो फिर हम कहेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन लेकिन अगर लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री नॉन जीरो रहा तो फिर हम वहां लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक रिलेशन ठीक है तो चलो हम यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन में पुट करना है इक्वेशन नंबर टू में ठीक है चलो हम इधर सॉल्व करते हैं यहां पे जगह है सॉल्व करने के लिए तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू एम्प्लॉयज ठीक है इक्वेशन नंबर टू क्या है ये दैट इज एक्स इजिकल टू बी तो ए मैट्रिक्स पुट करो ए मैट्रिक्स ये देखो ये ए मैट्रिक्स है वन वन थ्री एक काम करते हैं इतना बड़ा ए मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं छोटा मतलब क्या है कैसे नीचे के जो दो रो है वो तो पूरी तरह से जीरो है तो अगर आपने उसको नहीं लिखे तो भी चलेगा ओनली ऐसा लिख लो वन वन थ्री एंड जीरो माइनस टू माइनस टू ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है सभी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इंटू एक्स एक्स यानी क्या है लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री ठीक है और अब इसके बाद है बी तो चलो बी मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पे दो ही बार जीरो लिख लो क्योंकि वैसे भी दो इक्वेशन बनना है क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने को जाओगे तो दो ही इक्वेशन बनेंगे तो इतने सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो यहां पे अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो हमने ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स उठा के ये इक्वेशन में पुट किए पुट करने के बाद हमें ऐसा मिला है अब यहां से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करो तो रो इंटू कॉलम करना है रो इंटू कॉलम करो तो ये वन इंटू लैमडा वन यानी लैमडा वन वन इंटू लैमडा टू प्लस लैमडा टू थ्री इंटू लैमडा थ्री तो प्लस लैमडा थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है उसके बाद इंटू वन तो, तो, तो इंटू है दो ही इक्वेशन बन गई अब आपको क्या करना है अब अब यहाँ पे हमें लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री फाइंड आउट करना है तो क्या करो ये जो तीन स्केलर वैल्यूज है लेमड़ा वन लैमडा टू लैमडा थ्री उसमें से किसी एक को कंसिडर कर लो कोई दूसरे कॉन्स्टेंट uh, से उसको uh, यहां पे असाइन करो जैसे मान लो के तो हमने ठीक है ना तो हम क्या करेंगे हम यहां पे अज्यूम करेंगे यहां पे हम लिख लेंगे लेट लैमड़ा थ्री इज इक्वल टू के हम यहां पे लैमडा थ्री को के से असाइन कर लेंगे लेट लैमड़ा थ्री के है ऐसा मान के चलो अगर लैमड़ा थ्री के है तो ये लैमड़ा थ्री का वैल्यू ये ऊपर की इक्वेशन में पुट करो इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दो और इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दो तो ये लैमड़ा थ्री का वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर में पुट करो तो इक्वेशन नंबर फोर में यहाँ लैमडा थ्री की जगह तो ये ऐसा होगा माइनस टू लेमड़ा टू माइनस टू के इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करो लैमडा टू मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ के तो ये माइनस टू लेमडा टू इज इक्वल टू टू के ठीक है टू टू यहाँ पे कट जाएगा सो so देयर फोर लैमडा टू इज इक्वल टू माइनस के तो फाइनली हमने लैमडा टू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए ठीक है लैमडा थ्री टू हो गया और अब बचा है लैमडा वन उसके लिए क्या करो इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करो सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर थ्री में लैमडा वन हमें मिल जाएगा सो लेमडा वन लैमड़ा टू यानी माइनस के लैमड़ा थ्री यानी के इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करो तो यहां पे K, के जो है वो कैंसिल हो जाएगा सो लेडा वन हो जाएगा जीरो तो फाइनली हमने लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री तीनों फाइंड आउट कर लिए तो फाइनली ये जो हमने फाइंड आउट किया है लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री अब ये तीनों को चेक करो क्या ये तीनों जीरो है नहीं ये तीनों नॉन जीरो है तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था ये तीनों नॉन जीरो है इसका मतलब यह है कि गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और ऐसे में तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो अब हम निकाल सकते हैं ठीक है तो चलो अब ये हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे ये आपको लिखना पड़ेगा मेंशन करना पड़ेगा ठीक है तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है देखो क्या लिखा है सुनो सिंस लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री आर नॉन जीरो देयर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड देयर एग्जिस्ट

प्लस लैमडा टू एक्स टू प्लस लैमडा थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो ऐसा इक्वेशन था चलो वैल्यूज पुट अप करते हैं लैमडा वन की वैल्यू क्या थी लैमड़ा वन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाले हैं देखो लैमड़ा वन ये लैमड़ा वन जीरो है तो यहां लिख लो जीरो मतलब ये हो गया जीरो ठीक है जीरो लैमड़ा टू की वैल्यू माइनस के है तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस के एक्स टू और लैमड़ा थ्री की वैल्यू के है सो प्लस के एक्स थ्री क्वल टू जीरो ऐसा हो जाएगा एक्स टू माइनस ऑफ एक्स थ्री इक्वल टू जीरो से और इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फाइनली तीनों वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने यहां निकाल लिया दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन तो हम यहां लिख लेंगे स्टेटमेंट में तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन और फाइनली प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया और ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया क्या काफी ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया ठीक है एक बोर्ड पे अगर हम इसको छोटा करें तो एक बोर्ड पे इतना सारा प्रॉब्लम नहीं आ सकता ठीक है तो ये ये पूरा प्रॉब्लम जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है ऐसे प्रॉब्लम की आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप आराम से एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे तो ये था लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर सेवन इसके पहले के जो हमने इसके सिक्स प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच